अज भाजपा पंजाब प्रधान अश्विनी शर्मा वालों नगर कौंसल चोणा विच भाजपा की जित यकीनी बनाने के लिए फिरोजपुर के एक पैलेस विच भाजपा उम्मीदवार वर्करां नाल मीटिंग करन पुजे जिन्हां दा किसानों ने जम के विरोध किया है। अश्विनी शर्मा वालों दिते समय तो कुछ समा पहला किसानों दी अखा तो बच के पैरिस विच दाखल तो होने विच कामयाब हो गए, लेकिन जिवें ही किसानों नूं पता लगा तो देखते ही देखते वड्डी गिणती विच किसान उस जगह ते पहुँच गए। पुलिस वालों लगाए गए बैरीकेडा नूं तोड़दे होए किसान पैरिस तक पहुँच गए, पर पुलिस अते किसानां विचकार भारी टकराव देखण नूं मिलिया है। कि जदों जिहड़ा साडा डेमोक्रेटिक हक है विरोध करना, असी विरोध करने वास्ते दिल्ली गए, साडे डेमोक्रेटिक हक के उत्ते डाका मारिया गया, सानू दिल्ली नहीं वड़ दिता गया। दिल्ली नहीं वड़न दिता गया, ठीक है, दिल्ली वड़न तो रोकने लई साडे नाल जानवरां वाला सलूक किया गया। तुसीं वेखो जिहड़ी अज उत्ते तार लाई हुई है, वह तार किसान खेत लावे तो उहदे ते केस दर्जे कि वह जानवरां नूं नुकसान पहुँचाउंदी है, पर बंदियां दे क्यों तार लाई हुई? असी 78 दिन तो उपर हो गया दिल्ली बैठे हुए हैं, यही बीजेपी साड़ी गल नहीं सुन रही, सानू दिल्ली च एंटर होने नहीं दे रही, साडा पानी बंद कर दी, इंटरनेट बंद कर दी, साड़ी बिजली बंद कर दी, 409 जवानों गिरफ्तार करके जेलों रखा हुआ, साडा 200 जिहड़ा साथी है शहीद हो चुका, एक साडे नौजवान लाल किले च गोली मार के शहीद करता, एक साड़ी बच्ची रैसट करके उहदे नाल सैक्सुअल हरासमेंट तक की हुई है। तो ये गलों के ध्यान रखद हो समझते हाँ कि बीजेपी पंजाब वड़न का कोई हक नहीं, और असी जिन्ना चर साड़िया जथेबंदियों की होंद है, जिन्ना चर साढ़े कानून रद्द हो के साड़िया मंगा नहीं मनिया जा, बीजेपी पंजाब दे विच नहीं वड़न दिया। अज तुसी की कीता गया फिरोजपुर के जो पैलेस के बीजेपी की मीटिंग से भाजपा प्रधान इतने आए? देखो जी, भाजपा प्रधान चोरी आया, ना तो उन्हें किसी प्रेस को इनफॉर्म किया, ना उन्हें किसी वैसे ही पोस्टर वगैरह ला के किसी इनफॉर्म नहीं किया, चोरी आया, पर साडा भी संपर्क हैगा, सानू पता लग गया भी आया इत्थे जिहड़े सिटी पैलेस आया, पहले तो पुलिस ने नाके ला के सानू इत्थे आउण तो रोकिया कि उत्थे ना पहुँचा, असी क्या साडा हक है सड़क वगदी, असी सड़क तो टप सकने जा सकने, असी बैरीकेड तोड़ के इत्थे आए हाँ, इत्थे पुलिस ने उन्हूं अंदर ताड़ के बाहर भारी बैरीकेडिंग करके सानू अंदर नहीं जान दिता, चलो असी नहीं अंदर गए, पर असी उहदी मीटिंग का विरोध किया, बैरीकेड भन के इत्थों गेट तक आए, इहदे च असी कोई मुकरदे नहीं, कल नूं साडे ते केस दर्ज होवे तो असी मुकरांगे नहीं मुकरांगे, पुलिस के बैरीकेड तोड़ के सानू उहदे बूहे च करवाउणा पिया, पर इत्थे आके असी सिर्फ उन्हूं इह जताया है कि तुहाड़ी पंजाब च औकात की, असी कोई थप्पड़ नहीं मारिया, कोई वायलेंस नहीं। मैम जी, उन्होंने गड्डी के उत्ते भी जिहड़ियां डांका मारियां, किवें देखदे हो तुसीं शांतमई ढंग दे नाल प्रदर्शन की गल कीती सी? देखो जी, चार बंदे असी नोट किए ने उन्हां दे विच, उन्हां दे आपदे सी, इत्थों दा साबका MLA आ नन्नू, उहदी पग लाउण दी कोशिश की गई, मैं तोड़ उहदी पग दे उत्ते हथ रख के लैके गया, क्योंकि असी पगां दी माण रखण वाले आ, पग भावें दुश्मन दी होवे असी पग नहीं लैण देंगे, वह चारा बंदियां ने नन्नू की पग लाउण दी कोशिश की, उन्हां दी कोई निजी कंट्राडिक्शन होगी जो है साढ़े घोर नूं खराब करना चाहते, साढ़े एक भी किसान ने किसी भी इन्हां दे बीजेपी दे लीडर नूं कोई थप्पड़ नहीं मारिया, मुक्की नहीं मारी, किसी की पग नहीं लाई, किसी नूं छूया तक नहीं, उन्हां दी गड्डी नूं कुछ नहीं किया। इस मौके पर अश्विनी शर्मा का कहना है कि ये किसान हमला नहीं कर सकते, किसान तो खेतों में पसीना बहा रहे हैं, ये तो सत्ताधारियों वालों करवाई जा रही गुंडागर्दी है, अमरिंदर की सरकार दे प्रयोजित गुंडागर्दी है, ये लोकतंत्र के नाँ के उत्ते लोकतंत्र दे उत्ते डाका है, चुनाव कराने की चाह है, जेकर एक पोलीटिकल पार्टी का स्टेट प्रेजिडेंट अपनी पार्टी के प्रचार करने लई नहीं आ पाता, ये पुलिस दे पूरा फेल्यूर है, DGP का फेल्यूर है, मेरे सभा स्थल तक वो गेट तक आए किदा, किहड़े लोग दोषी ने, उन्होंने हाथ रोए दे लोहे दे राड़ किदा आ गए, किसान खेत च पसीना बनांदा है, लोहे दे राड़ दे नाल पत्थरां दे नाल हमला नहीं करता, और मात्र ये कह देना बाद च कि वह शरारती तत्व सी, किसान संगठन भी इस जिम्मेवारी तो बच नहीं सकते है, उन्होंने भी सोचना पेगा कि हर बारी ये कह के नहीं बचिया जा सकता, ये गुंडागर्दी है पुलिस की पूरी तरह, लोकतंत्र की हत्या हो रही है पंजाब के अंदर, स्थानीय निकाय चोणां जिहड़ियां लुटना चाहती है सरकार, ना कराए चोण, सीधी नोमीनेशन कर लेना, जे उस कैंडीडेट नूं सुरक्षा नहीं दे सकती, पार्टी के प्रधान नूं सुरक्षा नहीं दे सकती, कैंडीडेट अपना प्रचार नहीं कर सकते, अपना जुलूस नहीं कर सकते, अपनिया सभा नहीं कर सकते, तो फिर कहदा चुनाव है?
अरे आश्वासन क्या लेना उनसे? मैंने उनको बोला कि ये पुलिस पैलेस हटाओ, मरवाना बताओ कहाँ चले, क्यों पंजाब का अमन से शांति भंग करना चाहते हो? नहीं मैं होर जा रहे हैं। हाँ चले गए ने, कोई गल नहीं है, आए सी इन्होंने, चलो माड़ा माड़ा ट्रस्ट किया, बाकी चले गए ठीक ठाक, चले गए कोई प्रॉब्लम नहीं। सर उन्होंने दी गड्डी दे ऊपर भी हमला होया है, जेडे डांगा मारिया गया है, किसानों का कहना है कि वो किसान नहीं है किसी की? नहीं नहीं इदां दी कोई गल नहीं, कोई डांगा वाली कोई गल नहीं है, पीसफुल निकल गए, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल कुछ नहीं, लाठीचार्ज बिल्कुल रोके नहीं गए, कोई गल नहीं है, अगे बैरीकेड लगे से, कोई इदां दी लाठीचार्ज वाली कोई गल नहीं। कौन जी? किसान बड़े आराम नाल पहुंच गए। नहीं नहीं असं उन्होंने कहा कि तुम इतने वेट करो 10 मिनट, कोई गल नहीं है। देखो जी असं डकिया से उन्होंने, कोई प्रॉब्लम नहीं, इदा नहीं, चलो ठीक चल। थैंक यू सो मच।